हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको शिक्षा अलायंस की टीम की तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एमसीक्यू सेशन। उससे पहले हम कल के होम असाइनमेंट को पहले देख लेते हैं। आपका कल का क्वेश्चन था, मिटी स्टार्टअप हब इंक पैक्ट विथ होम टू प्रमोट स्टार्टअप। मिटी स्टार्टअप हब ने किसके साथ पैक्ट साइन किया है प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी AISPL, ऑप्शन सी SpaceX, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी AISPL, जो अमेजॉन इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है AISPL, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिटी स्टार्टअप हब के साथ, जो कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिटी का, ताकि प्रमोट किया जा सके टेक्नोलॉजी इनोवेशन को और सस्टेनेबल ग्रोथ को स्टार्टअप के लिए भारत में। AISPL जो है वो अंडरटेक करेंगे रीसेल और मार्केटिंग अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज का इंडिया में। मकसद क्या है इस कोलैबोरेशन का? तो मिटी स्टार्टअप हब और जो AWS है, ये एक साथ काम करेंगे आइडेंटिफाई करने में स्टार्टअप को जिनका डीप टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, और इम्पावर करेंगे उनको कि वो फाइंड करें सॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम का इंडिया पे। इस AWS स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से जो स्टार्टअप है उनको एक्सेस मिलेगा AWS के क्रेडिट का, जहां पे कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग और सपोर्ट कवरिंग क्लाउड आर्किटेक्चर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी स्केलेबल रेडीनेस प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो मिटी स्टार्टअप हब ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिटी का, इसके सीईओ जीत विजय है। अमेजॉन वेब सर्विस AWS इसके सीईओ एडम सेल्पिस्की है, हेडक्वार्टर इसका सीटल वाशिंगटन US में है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम को फाउंड किया गया था 2010 में, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। SpaceX के फाउंडर और सीईओ इलन मस्क है, फाउंड किया गया था 6 मई 2002 में, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US में है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 15 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्टनर विद विच कंट्री टू एक्विजिशन ऑफ 56C295MW एयरक्राफ्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्टनरशिप किया है किस कंट्री के साथ एक्विजिशन के लिए 56C295MW एयरक्राफ्ट का? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल था, उसी लाइन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट को MS एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ स्पेन की, जो वर्थ ₹22,000 करोड़ का एक्विजिशन किया जाएगा 56C295MW ट्रांजिशन एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंक किया एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को भी MS एयरबस डिफेंस और स्पेस के साथ, जिसमें एयरबस जो है वो डिस्चार्ज करेंगे अपने ऑफसेट ऑब्लिगेशन को डायरेक्ट परचेज के माध्यम से एलिजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इंडियन ऑफसेट पार्टनर के लिए। ये जो है पहला प्रोजेक्ट है इस काइंड का जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया पे अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर पे C295MW। ये जो इंडक्शन है C295MW का, ये मॉडर्नाइज करेगा हमारे ट्रांसपोर्ट फ्लीट को इंडियन एयरफोर्स का। ये सक्सीड करेगा एजिंग एवरो HH748 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स का, जो कि प्रोक्योर किया गया था 1960 पे। ये बूस्ट करेगा टेक्टिकल एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को इंडियन एयरफोर्स का, स्पेशली नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो जो 56 एयरक्राफ्ट लिया जाएगा, इसमें 60 को डिलीवर किया जाएगा फ्लाई अवे कंडीशन में स्पेन से 48 मंथ के अंदर, और जो रिमेनिंग 40 है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा। पार्टनरशिप किया गया है इसके लिए एयरबस के साथ, ताकि वो इंस्टॉल कर सके इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को। तो किसके साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। इससे IAF जो है वो बन जाएगा 35th C295 ऑपरेटर वर्ल्ड वाइड में। ये जो पार्टनरशिप है वो इन्हेंस करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको कि साइन किया गया 10 ईयर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट। स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड है, किंग फेलिप सिक्स ऑफ स्पेन, करेंसी यूरो। रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट सीएम लॉन्चेस समर्पण पोर्टल फॉर पीपल टू ऑफर वॉलेंटरी सर्विसेज। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया समर्पण पोर्टल को पीपल के लिए, ताकि वो ऑफर कर सके वॉलेंटरी सर्विस को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। तो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने लॉन्च किया है समर्पण पोर्टल को, जो कि एक वेब पोर्टल है जहां पर पीपल रजिस्टर कर सकते हैं खुद को कि वो ऑफर करेंगे वॉलेंटरी सर्विसेज को एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड पे। जो बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है समर्पण दिवस के तौर पर पूरे कंट्री पे। ये जो वॉलेंटरी सर्विस ऑफर किया जाएगा पब्लिक के द्वारा, ये वेब पोर्टल के माध्यम से होगा, जिसको लीक किया जाएगा वेरियस प्रोग्राम में गवर्नमेंट के, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर एंड सो ऑन। ये जो वॉलेंटरी सर्विसेज होगा, ये मदद करेगा गवर्नमेंट को और लोकल कम्युनिटी को फुलफिल करने में जो गोल है गुड गवर्नेंस का। जो लॉन्च है ऑफिशियल वेबसाइट का, फॉरेन कॉपरेशन डिपार्टमेंट का, इसको भी किया जाएगा इसके लिए।
हुनर ऐप के बारे में हम समझ ले। इसको लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के द्वारा, ताकि जनरेट किया जा सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टेट में। हुनर जो है वो स्टैंड करता है हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार। इस ऐप को डेवलप किया गया है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग पीपल को ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके और सेट कर सके एंटरप्राइजेस को। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनखर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ रेजांगला, अ बुक डिपिक्ट व्हाट 20 इंडियन सोल्जर ब्रेवरी इन 1962 साइनो इंडिया वॉर, ऑथर बाय हुम। जो बैटल था रेजांगला का, जो कि एक बुक है जो कि डिपिक्ट कर रहा है 120 इंडियन सोल्जर के ब्रेवरी को 1962 के साइनो इंडियन वॉर के द्वारा, वॉर के समय पे आई मीन, इसको ऑथर किया गया किसके द्वारा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुलप्रीत यादव, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी मदन भट्ट, ऑप्शन डी नानक देश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुलप्रीत यादव। जो बैटल है था रेजांगला का, जो कि एक बुक है जो कि डिस्क्राइब करता है स्टोरी 120 सोल्जर का, जिन्होंने स्ट्रांग फाइट दिया था अगेंस्ट 5000 चाइनीज मिलिट्री ट्रूप के खिलाफ और प्रिवेंट किया था पॉसिबल ऑक्यूपेशन लद्दाख रीजन का 1962 के साइनो इंडियन वॉर के दौरान, जो कि हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। इस बुक को लिखा गया एक्स नेवल ऑफिसर और ऑथर कुलप्रीत यादव के द्वारा। इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन वीर के द्वारा। इस बुक को रिलीज किया गया ऑनर करते हुए 50th एनिवर्सरी को 1962 के इंडिया चाइना वॉर को ध्यान में रख के। जो सुधा मूर्ति है, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो इनके द्वारा ऑथर की बुक का टाइटल है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। मनन भट्ट, इनके द्वारा ऑथर की बुक का टाइटल है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम फर्स्ट F1 ड्राइवर इन हिस्ट्री टू सील 100 विंस। कौन बन गए पहले F1 के ड्राइवर जिन्होंने अचीव कर लिया है 100 विन को। आपका ऑप्शन है माइकल स्कूमैचर, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटन, ऑप्शन सी लेविस हैमिल्टन, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेविस हैमिल्टन। जो लेविस हैमिल्टन है उन्होंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है रजिस्टर करके 100 विन को, जब उन्होंने फिनिश किया था पहले पोजीशन में रशियन ग्रांड प्रिक्स में, जो कि आपका सोची ऑटोडोम में रशिया पे हुआ था। हैमिल्टन जो है वो ब्रिटिश रेसर है जो कि कम्पीट करते हैं मर्सिडीज के तरफ से। इन्होंने जीता है बहुत सारे इवेंट को और हैमिल्टन जो है वो पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर है हिस्ट्री के जिन्होंने 100 विन को अचीव किया है। मैक्स वेरस्टैपन जो है वो सेकंड पोजीशन में है रशियन ग्रैंड प्रिक्स में 2021 में। तो जो F1 ड्राइवर है जिन्होंने जीता है सबसे ज्यादा हिस्ट्री में, हम ये देख ले तो लेविस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, इन्होंने अभी तक 100 विन कर लिया है। माइकल स्कूमैचर, जिनके बारे में ऑप्शन मेंशन था, ये जर्मनी के है, इन्होंने 91 बार जीता है अभी तक। सेबेस्टियन वेटलर जो कि जर्मनी के, इन्होंने 53 बार जीता है। एलन प्रोस्ट जो कि फ्रांस के, इन्होंने 51 बार जीता है। और एल्टन सेना जो कि ब्राजील के, इन्होंने 41 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड टेन्यूर ऑफ कंपनी लॉ कमिटी बाय 1 ईयर टिल सितंबर 2022। किस मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया जो टेन्यूर था कंपनी लॉ कमिटी का 1 ईयर के लिए टिल सितंबर 2022 तक के लिए। आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्यूर को कंपनी लॉ कमिटी का 1 ईयर के लिए। वो जो है सेप्टेम्बर 16, 2022 तक के लिए कर दिया गया है। जो CLC है उन्होंने फॉर्मुलेट किया है कि वो प्रमोट करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ताकि जो लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट है वो फोस्टर करे, इम्प्रूव करे कॉर्पोरेट कंपाइलेंस को स्टेक होल्डर के लिए, और वो एड्रेस करे इश्यू को जो कि इम्पैक्ट कर रहा है वर्किंग को कंपनी का। हम CLC के बारे में जान ले तो ये एक 11 मेंबर कमेटी है जिसको गठित किया गया था 2019 में MCA के द्वारा, ताकि ये एग्जामिन कर सके और रिकमेंडेशन दे सके गवर्नमेंट को इश्यू से रिलेटेड जो कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर था कंपनी एक्ट 2013 का और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का। इसको चेयर किया गया है राजेश वर्मा जो कि सेक्रेटरी MCA के। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इस डिपार्टमेंट को डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक ऑफर ओवर द फैसिलिटी टू सेलर रजिस्टर ऑन Amazon इंडिया। किस बैंक ने ऑफर किया है ओवर द फैसिलिटी को सेलर के लिए जो कि रजिस्टर है Amazon इंडिया में। आपके ऑप्शन है RBL, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ICICI। जो ICICI बैंक है इसने पार्टनरशिप किया है Amazon इंडिया के साथ, ताकि वो ऑफर कर सके ओवर द ओडी फैसिलिटी को ₹25 लाख का इंडिविजुअल के लिए, सेलर के लिए और स्मॉल बिजनेस के लिए जो कि रजिस्टर है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में Amazon.in में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इनेबल करेगा इजी और ट्रस्टेड एक्सेस क्रेडिट के लिए सेलर को लो कॉस्ट में। ये जो पार्टनरशिप है ये इनेबल करेगा ICICI बैंक के कस्टमर को जो कि रजिस्टर है Amazon.in पे, को सेल कर सकते हैं, एबल कर सकते हैं ओवर द फैसिलिटी को ICICI बैंक से एक फुल्ली डिजिटल प्रोसेस में। ऑप्टेन किया जाएगा इसके लिए एप्लीकेशन को, जिसको कि सैंक्शन किया जाएगा डिसबर्समेंट के लिए।
जो सेलर है उनको रिडायरेक्ट किया जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्लेटफॉर्म के तरफ पे, ताकि ये जो फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट का ये प्रोवाइड किया जा सके। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक इसका एस्टैब्लिशमेंट 1955 में किया गया था, इसको इनकॉर्पोरेट 1994 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी है। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, इसको फाउंड किया गया था 1943 में, इसके सीईओ जो है विश्ववीर आहूजा है। एसबीआई बैंक के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है, फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनोग्रेटेड एट विच स्टेट। वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इनोग्रेट किया गया किस स्टेट में? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नाइन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसको इनोग्रेट किया गया है 500 फीट पे काजा इन स्पीति मिली लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ये जो चार्जिंग स्टेशन, ये सपोर्ट करेगा सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर और कार को। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी है, इसको इंस्टॉल किया गया है गो इको नेटवर्क के द्वारा, जो कि एक पुणे बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा स्टार्टअप है। भारत एशिया जुअल सॉकेट टाइप 2 चार्जर को इंस्टॉल किया गया है गो इगो के द्वारा वेस्टर्न हिमालयस में, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेशन के तौर पर और कंपाइलेंस के तौर पर ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ओपन चैलेंज अलायंस सर्टिफिकेशन के द्वारा। ये जो गो इगो है, इसने कोलैबोरेट किया है टीवीएस मोटर कंपनी के साथ, ताकि वो प्रमोट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिमाचल प्रदेश में। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, ताकि प्रमोट किया जा सके डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये जो प्रोग्राम है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के दौरान, इसको लॉन्च किया गया था मानचुक एल मानदेविया के प्रेजेंस में, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को संभाल रहे, और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को संभाल रहे, उनके प्रेजेंस में लॉन्च किया गया था इसको। ऑब्जेक्टिव इसका है डेवलप करना, इंटीग्रेट करना डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री का। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो प्रोवाइड करेगा एक डिजिटल हेल्थ आईडी पीपल को, जो कि कंटेंट करेगा हेल्थ रिकॉर्ड को। ये जो मिशन, इसको लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तौर पर। ये जो मिशन है, ये मदद करेगा कनेक्ट करने में डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को हॉस्पिटल का पूरे कंट्री पे। सारे इंडियन जो है उनको डिजिटल हेल्थ आईडी इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक सिटीजन का हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटली सिक्योर रखा जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एनडीएचएम, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 15, 2020 पे। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ये कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया 4 की फीचर्स के साथ, हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। राजनाथ सिंह, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सोजत मेहंदी फ्रॉम विच स्टेट हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो सोजत मेहंदी है वो किस स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला है? आपको ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। जो सोजत मेहंदी है राजस्थान का, जिसको कि हम मेडिसिनल वैल्यू के तौर पर भी जानते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो ट्रेडिशनल ब्रू है डिमासा कम्युनिटी का, और जुदमा जो है असम का, नागा कुकुम्बर जो है नागालैंड का, जिसमें हाई पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है एक साइन है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, जो का स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है, और जिसका क्वालिटी जो है वो एक रिपुटेशन होता है उसके ओरिजिन के कारण। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रोफेसर जगदीश मुखी इसके गवर्नर है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफू रियो है, गवर्नर नागालैंड के प्रोफेसर जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अलायंस एयर इंक पैक्ट विथ होम टू डिप्लॉय सिविल 2228 प्लेन इन अरुणाचल प्रदेश। अलायंस एयर ने किसके साथ पैक्ट साइन किया ताकि वो डिप्लॉय कर सके सिविल 2228 प्लेन को अरुणाचल प्रदेश में? आपके ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी एचएल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एचएल। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है एचएल, उसने साइन किया एक लीज एग्रीमेंट को अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ डिप्लॉयमेंट के लिए 2 एचएल सिविल डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को अरुणाचल प्रदेश में। ये जो डील है, ये इनवाइजेक करेगा, इनहेंस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को, रीजन को, साथ साथ कनेक्ट करेगा रिमोट पार्ट को अरुणाचल प्रदेश का।
अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसके सीईओ नलिन सिंगल है, फाउंड किया गया था 1964 पे। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है, इसको फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 पे, फाउंडर इसके वालचंद हीराचंद। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 में, इसके सीईओ सोमा मंडल है। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है, हु ऑथर द न्यू बुक द फ्रैक्चर हिमालया इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962, किसने ऑथर किया न्यू बुक को जिसका टाइटल है द फ्रैक्चर हिमालया इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है निरुपमा राव, ऑप्शन बी जयराम रमेश, ऑप्शन सी सुदीप मिश्रा, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।